तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, डंकी ने डे 9 पर एंट्री मार ली है और शानदार 8 दिन कंप्लीट कर लिए है। भाई दिस मूवी इज स्लो पॉइजन, मतलब बहुत धीरे ग्रोथ कर रही है और कॉन्स्टेंटली ग्रोथ कर रही है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। शुरुआत से ही जो रिदम बना के चल रही है भाई, उस रिदम पर यह खरी साबित होती नजर आई, क्योंकि भाई साहब वर्किंग डेज अब खत्म हो चुके हैं। आज लास्ट फ्राइडे है, कल सैटरडे हॉलीडे लग जाता है, फ्लेक्सिबल हॉलीडे, देन उसके बाद संडे तो प्रॉपर रहता ही रहता है। तो भाई आज जो इवनिंग और नाइट में रुझान देखने को मिलेगा वो इस मूवी को बूस्ट करके जाएगा, और ये चीज़ डंकी की जबरदस्त देखने को मिल रही है। भाई इसके कलेक्शन की जो भी डेटा जा रहे हैं वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, कोई इतना बदलाव देखने को नहीं मिल रहा, इतना गैपिंग देखने को नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ सालार के डेटाज में भाई मेकर्स की तरफ से जो डेटा आ रहे हैं वो अलग है, एंड जो ऑफिशियल डेटा इधर सैकनिक की तरफ से आ रहे हैं वो अलग है। मतलब 50-60-70 करोड़ ऐसे अंतर देखने को मिला है, इतना भयंकर। लेकिन भाई डंकी, मैं कहूँगा डंकी एवरेजली और जबरदस्त ग्रो कर रही है, क्योंकि मूवी को ट्रॉल करा जा रहा था कि भाई इसकी जो है कमाई बहुत नीचे आ चुकी है, जवान पठान से कंपैरिजन करा जा रहा है, दूसरी तरफ सालार से कंपैरिजन किया जा रहा है, जो सालार की मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी को टच कर रहे हैं उसके डेटा। भाई डंकी के डेटा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेसी को टच कर रहे हैं और ज़बरदस्त ये मूवी ग्रो कर रही है। तो अभी सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे, कैसा क्या कलेक्शन रहा है, नेट इंडिया से कितना आ चुका है और ओवरसीज से कितना आ चुका है, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना आ चुका है। भाई क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब कल डे 8 की अगर हम रिपोर्ट को स्कैन करें नेट इंडिया से, कल ये मूवी एंड ऑफ द डे तक 9 करोड़ के आसपास टच करते नजर आ रही है। ग्रॉस कलेक्शन 11.5 करोड़ के आसपास, ओवरसीज से 10 करोड़, एंड पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 21.5 करोड़ के आसपास ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख रही है। बावजूद इसके भाई क्लैश चल रहे हैं और ये क्लैश बहुत ही जबरदस्त चल रहे हैं। बॉक्स ऑफिस स्कैम रिपोर्ट चल रही है, डेटा फ्लेक्सिबल है, डेटा आज में इतने ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। मतलब भाई सालार को ट्रॉल करा जा रहा है, तो सालार के फैंस डंकी को ट्रॉल कर रहे हैं, डंकी को डोंकी करके ट्रॉल कर रहे हैं, और बुरी तरीके से ये फाइट देखने को मिली। लेकिन फिर भी डंकी के जो डेटाज हैं भाई वो बिल्कुल स्लाइटली एक्यूरेसी को टच करते नजर आ रहे हैं। तो पहले 8 दिन में ये मूवी नेट इंडिया से 161 करोड़ कवर अप करती नजर आ रही है। ग्रॉस कलेक्शन 182.5 करोड़, एंड ओवरसीज से 122.5 करोड़, एंड पूरी दुनिया से ये मूवी 321.5 करोड़ के आसपास ह्यूज कलेक्शन कर चुकी है। और परसों एंड ऑफ द डे तक जो ऑफिशियल रिपोर्ट मेकर्स की तरफ से निकाल दी गई है, भाई पहले 7 दिन में इस मूवी ने पूरी दुनिया से 305 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर लिया है, जो बिल्कुल ऑफिशियल एंड करेक्ट एक्यूरेसी को टच करता है। जो 305 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन है फर्स्ट वीक में, भाई तबाही है। भाई डंकी से ठीक है, उम्मीद करी जा रही थी कि और भी ज़्यादा कलेक्शन करे, लेकिन जिस हिसाब से क्लैश चल रहे हैं, जिस हिसाब से भाई साहब इस मूवी को ट्रॉल करा जा रहा है, सिर्फ सिंगल लैंग्वेज हिंदी में जिस हिसाब से ये ग्रो कर रही है, भाई फर्स्ट वीक में 305 करोड़ लाना बिल्कुल मामूली बात नहीं है, वो भी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में। तो भाई साहब यहाँ तक डंकी ने पहले 8 दिन में ही भाई सुपर डुपर हिट की लिस्ट में तो अपना नाम दर्ज कर ही लिया है। और जब ये मूवी एक आध हफ्ता और टिक जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में कोई इतनी बड़ी मूवी नहीं है। अगर फाइटर को हम देखें तो फाइटर भाई साहब 24 या 25 जनवरी के आसपास आनी है, तो उससे पहले भाई और कोई मूवीज बड़ी है नहीं। तो ऑडियंस के पास ले दे के यही चॉइस रहेंगे, या तो डंकी या तो सालार। लेकिन सालार में भाई बहुत क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, और अब तो रिव्यू भी जो अब आ रहे हैं भाई साहब और क्रिटिकल आने लग गए हैं, बहुत निगेटिव रिव्यू आने लग गए हैं। लेकिन फिर भी सालार अच्छी खासी कमाई करते नजर आ रही, मतलब एक्शन मास मसाला के दम पर वो धांस हुआ है। भाई आज अगर डंकी की बात करें डे 9 पर कैसी कलेक्शन कर ली है, तो भाई आज एडवांस बुकिंग से 2 से 2.5 करोड़ के आसपास ये कलेक्शन करते नजर आ रही है। नेट इंडिया से आज 10 करोड़, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 13 करोड़, एंड ओवरसीज से 11 करोड़, एंड पूरी दुनिया से 24 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन आज एंड ऑफ द डे तक ये मूवी कवर अप करते नजर आ रही है। आज डे 9 पर एंड ऑफ द डे तक नेट इंडिया से ये मूवी 171 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रखते नजर आ रही है, एंड पूरी दुनिया से 345.5 करोड़ के आंकड़े को ये मूवी आज डे 9 पर टच कर लेगी। और कल जब डे 8 की ऑफिशियल रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की पूरी दुनिया से मेकर्स की तरफ से आएगी, तो भाई देखना तबाही मच जाएगी, क्योंकि भाई 500 करोड़ एक बार के लिए अभी कल परसों में देखने को लग रहा था कि नहीं टच कर पाएंगे, लेकिन भाई जिस हिसाब से कॉन्स्टेंटली इसकी ग्रोथ चल रही है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा लो नहीं, एवरेजली जो ग्रो कर रही है, भाई स्लो पॉइजन के हिसाब से ये मूवी 500 करोड़ ईजिली टच करके जाने वाली है। तो भाई मुद्दे की बात पर आते हैं कि इस मूवी ने अभी तक इस साल कौन सी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
भाई साहब देखा जाए तो भोला एंड बहुत सी मूवीज के रिकॉर्ड को ये तोड़ चुकी है। फास्टेस्ट ग्रॉसिंग के मामले में टाइगर 3 के रिकॉर्ड को ये बीट डाउन कर चुकी है एंड लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में टाइगर 3 को बीट डाउन करेगी नहीं करेगी वो देखने वाला है बात रही, क्योंकि टाइगर 3 का कलेक्शन लाइफ टाइम 450 करोड़ के आसपास है, लेकिन जिस हिसाब से ये ग्रो कर रही है ईजिली कर देगी। तो भाई आप लोगों का क्या कहना है कि ये मूवी डंकी शाहरुख खान की ये जो थर्ड ईएमआई है क्या 500 करोड़ टच कर लेगी? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट में जरूर बता के देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।